अक्षय राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में इस वक्त सियासी संकट देखने को मिल रहा है। ये सियासत बीते लंबे वक्त से देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे अपनी सत्ता को गवा चुके हैं, वहीं दूसरी ही तरफ इस वक्त महाराष्ट्र की आवाम के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अहम फैसले सुनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच जंग छिड़ी हुई है शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर। फिलहाल देखा जाए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन इस बीच आगामी बीएमसी चुनाव को लेकर भी सियासत गर्मा चुकी है। यहां पर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर लगातार आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहा है। बात करेंगे यहां पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बारे में। एमवीए कांग्रेस और शिवसेना का गठबंधन कहीं ना कहीं टूटने की कगार पर दिख रहा है, जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे का गुट कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शिंदे गुट में एक एक करके तमाम कार्यकर्ता और नेता शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी यहां पर रणनीति बना रही है एनसीपी के प्रमुख शरद पवार के गढ़ बारामती को। जी हाँ, आपको बता दें कि बारामती से सांसद हैं शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले। ऐसे में सुप्रिया सुले शरद पवार और उप मुख्यमंत्री रह चुके अजीत पवार भी लगातार यहाँ पर हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने यहाँ पर खुलकर अपनी बात रखी थी। बारामती मिशन को लेकर बीजेपी इस वक्त तमाम अहम फैसले ले रही है, और ऐसे में शरद पवार भी यहाँ पर डंके की चोट पर ऐलान करते हुए दिखाई दिए हैं कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है तो विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा, लोकसभा चुनाव में वह जीत हासिल करके दिखाएंगे और बीजेपी को हरा कर दिखाएंगे। इस तरीके की यहां पर प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। लेकिन इसी बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने भी अपनी बात रखी है। क्या कुछ कहा है अजीत पवार ने बीजेपी के इस मिशन को लेकर। दरअसल आपको बता दें कि जहां एक तरफ बीजेपी रणनीतियां बना चुकी है बारामती में सफलता हासिल करने के लिए, जीत हासिल करने के लिए, जहां एक तरफ हाल ही में महाराष्ट्र बीजेपी के मुखिया चंद्रशेखर बावनकुले ने शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के लोकसभा क्षेत्र बारामती का दौरा किया, इसके बाद से सियासत तेज हो चुकी है। ऐसे में शरद पवार के परिवार को घेरने की बीजेपी की कोशिशें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। दरअसल पहले से ही बीजेपी ने 16 सीटों पर फोकस बढ़ाने की लिस्ट तैयार कर ली है और इसमें बारामती को भी शामिल किया गया है, लेकिन अब यहां पर एनसीपी भी हमलावर हो चुकी है। अजीत पवार ने हाल ही में कहा है कि कभी कौवे के श्राप से गाय नहीं मरती। हाल ही में उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कहा, क्या आप एक मराठी कहावत जानते हैं, कौवे के अभिशाप से कभी भी गाय नहीं मरती है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ये सच है, बीजेपी के नए अध्यक्ष बारामती से आते हैं तो काफी ज्यादा चर्चा होती है, और इसी की वजह से यहाँ पर आए उसकी खबर बनी, और कहीं और गए तो ऐसा नहीं होता। अजीत पवार ने कहा कि नए अध्यक्ष को शायद कुछ नहीं नया चाहिए, इसलिए वह बारामती आकर चर्चा पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ अलग करना चाहिए। इतना ही नहीं, यहाँ पर अपनी बात उन्होंने रखी संगठन को लेकर। उन्होंने कहा कि अगर आप संगठन में काम कर रहे होते हैं तो पार्टी के करीब थे, फिर आपको साल 2019 में उम्मीदवार के रूप में क्यों खारिज किया गया था, आपकी पत्नी को भी मौका क्यों नहीं मिला, ये तो आपकी पार्टी के भीतर का मामला है। अजीत पवार ने कहा कि कोई भी बारामती आए यहाँ सभी का स्वागत है, बारामती में काम बोलता है, हमसे ज्यादा काम करने वालों को बारामती लाओ, बारामती की जनता उन्हें जरूर मानेगी। इस तरीके से अजीत पवार ने अपनी बात रखी और साथ ही साथ कहा कि मेरे और मेरी बहन सुप्रिया सुले के लिए चुनाव क्षेत्र क्या होगा, क्योंकि अब तो हम वहां हारने जा रहे हैं। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, क्या हमारे चुनाव लड़ने के लिए कोई क्षेत्र बचेगा। इस तरीके से अजीत पवार भी डंके की चोट पर अपनी बात रखते हुए दिखाई दिए हैं। फिलहाल देखा जाए अजीत पवार ने यहां पर काफी कुछ कहा है, बीजेपी पर साफ तौर पर हमला बोल दिया है, लेकिन दूसरी ही तरफ डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ उनका बेहतरीन बॉन्ड भी देखने को मिलता है, क्योंकि वह देवेंद्र फडणवीस से तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हुए भी दिखाई देते हैं। फिलहाल देखा जाए आगामी बीएमसी चुनाव में और आगामी लोकसभा चुनाव में किस तरीके से यहां पर रणनीतियां क्या कुछ दिखाई देती हैं, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।